जो सही से चले उसकी सुनवाई नहीं, आपके पास पावर है या कोई बंदूक तान दो तो तुरंत हो जाएगा। इस तरह अगर शासन द्वारा किया जाएगा तो मैं आत्महत्या करने नहीं गिर के अमीरों के नहीं गिरते ना, बात तो ये है कि अमीरों के नहीं गिरते, उनकी पहुंच होती है दूर दूर तक, हमारी कोई पहुंच नहीं है तो हमारा गिरा दिया गया। जिस दिन भी वो देना रहता है वोट उस दिन भी हम लाइन लगाए, आज काम से आए तब भी हम लाइन ही लगा रहे हैं। हम ही लाइन क्यों लगाए, हर जगह सिर्फ हम ही लोग लाइन लगाते हैं, वोट देना है तो भी जनता लाइन लगा रही, वीआईपी जा रहा तुरंत वोट दे के आ रहा है। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज 18 लोकल और इस समय मैं खड़ा हूँ स्वतंत्र प्रभार मंत्री कृष्णा गौर के घर पे, और जहाँ पे हमें एक दंपत्ति मिले, जानेंगे उनकी समस्याएं। कहा जा रहा है कि उनका छोटा सा बच्चा है, अभी डिलीवरी हुई है, और इससे पहले कि वो कहीं किराए के घर पे रह रहे थे और तभी इसी बीच उनका घर गिरा दिया गया और इसके बारे में उनको जानकारी भी नहीं हुई। उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। जी सर, क्या नाम लिखते हैं? दीपक कुमार मिश्रा लिखता हूँ सर। अच्छा, क्या हुआ था, ये पूरा क्या मैटर है? कुछ पता नहीं सर, अभी 2016 में प्लाट खरीदा था और अभी बीम कालम किया था 2016 में, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। अभी 2024 में मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया था, 8-10 लाख रुपए कर्ज लेके यहाँ वहाँ से, और चीजें अपना सामान सोना गिरवी करके वाइफ का, और अभी डिलीवरी का टाइम था तो इस बीच में मुझे बताया जा रहा है कि नगर निगम और तहसीलदार SDM मिलके ये सब लोग बागों के जरिए गिरा दिया गया। आजू बाजू सभी के घर बने हुए हैं और मेरा घर गिरा दिया गया है, मुझे बताया जा रहा है कि सरकारी जगह पे, जबकि आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी 2016 में खरीदी थी जी। कितने महीने पहले गिराया गया? ये 19 जून को। हाँ, अच्छा, 19 जून को गिराया गया, जिसमें से ना हमें बताया गया और अभी भी हम सबके पास जा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम SDM के पास भी गए, थाना प्रभारी के पास, SP ऑफिस भी गए, थाना प्रभारी के पास भी गए, और विश्व सारंग के पास भी गए, मंत्री जी के पास, मतलब हर जगह गए, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। आज हम यहाँ आए हैं छोटी सी बच्ची लेके, अभी हमारी बच्ची ICU से आई है, आप चाहें तो उसका फोटो वीडियो देख सकते हैं। और हमारे पास 2016 से लेके अभी तक फोटो वीडियो है। अभी उस घर में मैंने पूजा उजा सब काम कर लिया था। अच्छा। और बस रहने वाला था कि अपने घर में बीवी बच्चों को लेके, किराए दे नहीं पा रहा हूँ, अब मेरी व्यवस्था नहीं है, दुकान नहीं लगा पा रहा हूँ, ठेला अपना कुछ। अच्छा, ठेला लगाता हूँ भैया। ये वो देश है, बहुत परेशानी है सर, अब क्या बताऊँ, ऐसे दिन बचे हैं, खाने जीने के हालात नहीं बचे सर। कि आप देखिए, ये वो देश है जहाँ पे अवैध अतिक्रमण तो हर जगह है, चाहे आप बात करें हवलदार तक अवैध अतिक्रमण करके रखता है, और साल दर साल 10 साल 20 साल तक ये कुछ नहीं किया जाता। ये 2 महीने की है और अभी ICU से आ रही है, और मेरे खुद के सीजेरियन हुई है तो मेरे टांके फट गए थे। अच्छा, यही घूंत यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ के मेरे टांके फट गए पूरे, और दोबारा टांके लगे वो भी खराब हो गए। मेरी लड़की अभी ICU से लेके आ रही हूँ मैं। अच्छा जी। अच्छा, हर जगह ही देखते हैं तो कब्जा करके रखते हैं लोग बाग, लेकिन आपके घर में जहाँ इतने बड़े बड़े कब्जे करके रखते हैं, प्रशासन क्या? अमीरों के नहीं गिरते ना, बात तो ये है कि अमीरों के नहीं गिरते, उनकी पहुंच होती है दूर दूर तक, हमारी कोई पहुंच नहीं है तो हमारा गिरा दिया गया। जिस दिन भी वो देना रहता है वोट उस दिन भी हम लाइन लगाए, आज काम से आए तब भी हम लाइन ही लगा रहे हैं। हम ही लाइन क्यों लगाए, हर जगह सिर्फ हम ही लोग लाइन लगाते हैं, वोट देना है तो भी जनता लाइन लगा रही, VIP जा रहा तुरंत वोट दे के आ रहा है। कितने का लिया था आपने? टोटल ले लिया 10 लाख रुपए का, अभी अभी बनाने में खर्च और 6 लाख का हमने प्लॉट लिया था। अच्छा, और ये देखिए आप, इन्होंने पूजन हुआ था घर का, गृह प्रवेश, और उसके बाद घर गिराया गया है, जब वो उस घर में नहीं थे। नहीं, आप नहीं थे उस घर? नहीं, मैं नहीं थी। अभी अभी बना, अभी हम कंप्लीट किए थे 24 में, 16 में खरीदे थे तो मेरी व्यवस्था नहीं बनी, यहाँ वहाँ से बड़े मुश्किल से कर्ज मिला, इनका सोना पूरा गहना गिरवी करके, और अभी करके हिम्मत और बनाया हूँ सर, बड़े मुश्किल से बनाया हूँ, दिन दिन भर उसमें लगा रहता था सर। उम्मीद है किसी से? अब देखिए क्या है, ऊपर वाला ही है सर, अब कोई सुनने को तो तैयार नहीं है, अब क्या करें, लग रहा है बीवी बच्चे लेकर। सुनवाई कितनी ज्यादा हो रही कि उम्मीद करें किसी से, जहाँ जाओ तो लाइन लगाओ और चले जाओ, वो कल मिलेंगे, कल कभी आता ही नहीं है। आज तो मिलेंगे नहीं, कल कभी आता नहीं है, कब मिलेंगे? अच्छे लोगों का कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है सर, गरीब आदमी हूँ, बहुत मुश्किल से किया हूँ, लग रहा है बीवी बच्चे लेके पहुँच है, पावर है, पहुँच है जिसके पास, और घूस है जिसके पास देने के लिए, उसकी सुनवाई है, बाकी से हाँ वो कुछ भी कर सकता है, बाकी किसी की सुनवाई नहीं है। जो सही से चले उसकी सुनवाई नहीं, आपके पास पावर है या कोई बंदूक तान दो तो तुरंत हो जाएगा। देखिए हम न्यूज 18 का सब ग्रुप है, लोकल 18, हम आपकी समस्या दिखा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन आंखें खोले और ऐसे जो आम जनता है जो सच में जिनको जरूरत है उनकी मदद की जाए। मतलब हमने कब्जा किया सरकारी जमीन पे, हम कोई वो माफिया तो है नहीं जो हम कब्जा कर लेंगे, हमें तो अपने जमीन में रहने नहीं मिलता है तो हम कब्जा कहाँ से कर लेंगे। बिल्कुल, अच्छा मैं बता दूं आपको, ये भोपाल में खड़े हैं हम, भोपाल में ऐसे
कई थाने हैं जहां पे किराए की बिल्डिंग में चल रहा है और उसकी जमीन जो आवंटित हुई थी सरकार द्वारा उस पे कब्जा करके रखा गया है। तो आप समझ लें, जब थाने की जमीन पे कब्जा है और लेकिन आम नागरिक की जो जमीन है उस पे कब्जा हटवाया जाता है, लेकिन जो थाने की जमीन पे कब्जा है उसको नहीं हटवाया जा रहा है। अभी भी चारों तरफ से घर बने, तो आप बताओ कि चार इधर बने चार इधर, तो बीच का जो घर है वो कैसे सरकारी हो गया? अच्छा, अगल बगल के बने बने हुए सभी, पूरी कॉलोनी बनी हुई है, सब एक नंबर है। जो और है तो बना रहे हैं, बन रहे हैं, छत अभी दो चार दो तीन दिन पहले डली है। आपको बताया गया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं। लोगों को पता पड़ा कि इसके यहाँ प्रेगनेंसी है, अभी महीनों से आ नहीं पा रहा है मकान में, उसी बीच में गिराया गया है। किसी को दिक्कत थी तो मेरे सामने आता, मैं जब बना रहा था या रोकने आ जाता, मैंने वहाँ कथा वार्ता सब कर लिया था, पूजा जो मेरे हिंदू धर्म में, मैं ब्राह्मण हूँ और मूवमेंट लोग और लोग बागों के सभी के बने हुए हैं, कोई ऐसा नहीं कि मेरा बस बना था। मतलब जब आप घर पे नहीं थे तभी ऐसा किया? तभी जब डिलीवरी पीरियड था, सीजर होना था, उस टाइम पे हुआ है। अच्छा, मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस नहीं, और एसडीएम तहसीलदार और नगर निगम द्वारा दिखाया जा रहा है कि तोड़ दिया गया है। हाँ, और जो मेरी लागत का सामान था तो लोग बाग ले गए हैं, मुझे कुछ भी वहां से नहीं मिला है। सब कुछ भी तोड़ दिए, सब पब्लिक लेके चली गई सर, मुझे कुछ भी नहीं मिला वहां से, एक भी सामान नहीं मिला। सब कुछ मैंने पूरा रेडी कर लिया था, मुझे अपने घर पे जाना था। मैं 20 साल से मतदाता हूँ, वार्ड नंबर 73 नारायण नगर कॉलोनी पे रहता हूँ, शिव नगर निर्वाचन आयोग में वोटिंग करता हूँ, रजिस्टर्ड है 20 साल से हूँ, किराए से रहता हूँ। अब आज मेरे असमर्थ, बहुत ही असमर्थ हूँ कि मेरे किराया और खाने जीने के हालात नहीं बचे। इस तरह अगर शासन द्वारा किया जाएगा तो मैं आत्महत्या करने के, कृष्णा गौर जी के निवास पे आए हैं और इनको मेरे बस का कुछ भी नहीं बचा। मेरा घर चलाना और बहुत मुश्किल हो गया है इन सब को लेके, और लोग बागों से कर्ज लिया हूँ तो मुझ पे प्रेशर बना रहे हैं और उन्हें मुझे देना है। और देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है मध्य प्रदेश के प्रशासन पे कि कैसे वो कदम उठाता है, एक गरीब ठेले वाला, उसका घर गिरा दिया जाता और थाने की जमीन से कब्जा नहीं हटवा पाता है प्रशासन। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, अब देखते हैं इस पे क्या कदम उठाता है प्रशासन अगर हमारा वीडियो आगे बढ़ता है तो। मैं था अनुराग पांडे, आप देख रहे थे न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश।